साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार नागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों आप लोग यहां पर देख रहे हो जो राजस्थान की अकादमियां हैं, संस्थान हैं, केंद्र हैं, जितने भी, ये उसका अगला पार्ट है यानी कि भाग दो है। इसके अंदर हम लोगों ने श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चोरू, भरतपुर, झालावाड़, टोंक आदि डिस्ट्रिक्ट को लिया है। साथियों तो इन डिस्ट्रिक्ट में जो जो भी संस्थान हैं, जो भी केंद्र हैं, जो भी अकादमियां हैं, उन सभी को हमने आज यहाँ पर लिया है। साथियों मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने जयपुर डिस्ट्रिक्ट को लिया था। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी केंद्र हैं, जितने भी अकादमियां हैं, जितने भी संस्थान हैं, वो पूरे के पूरे मैंने जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिए। साथियों आज हम लोग बात करेंगे श्री गंगानगर की, हनुमानगढ़ की, चूरू की, भरतपुर की, झालावाड़ की, टोंक की और अजमेर की। इसके बाद में जो अगला वीडियो आएगा भाग थ्री, उसके अंदर और अगले डिस्ट्रिक्ट को हम लोग लेंगे। साथियों आपको मैं यकीन दिलाता हूं साथियों, यहां से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जिस भी संस्था की वो डेट पूछता है, जिस भी संस्था का वो वर्ष पूछता है या सन पूछता है, ईस्वी पूछता है, वो सारी चीज मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। साथियों अधिकतर क्वेश्चन यही आता है कि ये कहाँ पर है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि चार ऑप्शन ऐसे सिमिलर ऑप्शन दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, आप लोग भी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए साथियों। और साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों तो मिलते हैं आप लोगों को इसी के साथ, इसी के जुनून के साथ। और एक चीज ध्यान रखिएगा साथियों कि जब भी आप लोग लिखो तो अच्छे से नोट्स बनाइए। साथियों आप लोगों को ये जीवन में बहुत काम देंगे। आप देखें यहाँ पर भाग दो, देखो श्री गंगानगर में जो है साथियों ये है राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी। राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी कहां पर है? ये श्री गंगानगर में। साथियों कहां पर है? श्री गंगानगर में है राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी। साथियों इसको जो है 2006 यानी कि 2006 में इसको हम लोगों ने बनाया था, 2006 में इसका उद्घाटन किया था। आगे बात करते हैं साथियों हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के अंदर आपको पता है स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय क्या है? हनुमानगढ़ में स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय कहां पर है साथियों? हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है अब बात करेंगे चूरू में। चूरू में क्या है? नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान, लोक संस्कृति शोध संस्थान और नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान, ये 1964 में इसको स्थापित किया गया था। 1964 में इसको वहां पर बनाया था, इसका मुख्यालय वहां पर खुला था। नगर श्री शोध संस्कृति शोध संस्थान 1964 में किसके द्वारा? सुबोध कुमार अग्रवाल के द्वारा इसको वहां पर बनाया गया था। साथियों ठीक है याद हो जाएगा आपको, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बहुत बढ़िया, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो। भरतपुर की बात हम लोग करते हैं। भरतपुर के अंदर राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र, बहुत फेमस क्वेश्चन है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, आरपीसी हो, हर किसी का ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत भयंकर तरीके से पूछा जाता है और मुझे लगता है जहां तक पूरे राजस्थान में किसी भी स्टूडेंट का ही गलत नहीं जाता होगा। ठीक है ना, ये बहुत भयंकर क्वेश्चन इसमें पूछा था। राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर और ये इसको स्थापित किया था साथियों 20 अक्टूबर 1993 को। किसको? राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर भरतपुर में पड़ता है और इसको स्थापित किया था 20 अक्टूबर 1993 को इसको स्थापित किया था साथियों। आगे बात करते हैं झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है साथियों। क्या, कौन सा क्वेश्चन है? भवानी नाट्यशाला 1921 में ओपेरा शैली में इसको बनाया गया था। भवानी नाट्यशाला कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है और इसको 1921 में ओपेरा शैली के माध्यम से इसको बनाया गया था। ठीक है याद रहेगा भवानी नाट्यशाला कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। अगला आता है यहाँ पर टोंक में, देखो टोंक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक संस्थान टोंक का तो पूछता है, वो 100% पूछता है एक संस्थान। अगर आरपीएससी एग्जाम दे रही है तो टोंक का जरूर पूछती है। ठीक है ये ध्यान रखना। तो टोंक है केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। क्या है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो अविका नगर टोंक में है।
केंद्रीय भेड़ प्रजनन ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में पड़ता है, और ये टोंक के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसके बाद में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी पारसी शोध संस्थान, ठीक है, इसको 1978 में बनाया गया था, इसका नाम ये रखा गया था 1987 में, 1978 78 है तो फिर 87 कर दो बस, नाम कब चेंज किया गया था 1987 में, स्थापित कब किया गया था 1978 में, ठीक है याद हो जाएगा। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी पारसी शोध संस्थान कहां पर है, टॉप के अंदर है, ठीक है। बात करते हैं अजमेर की साथियों, अजमेर के अंदर जो है माध्यम शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय आपको सबको पता है, सबने दसवीं वहां से करी है, तो माध्यम शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, अजमेर में, राजस्थान वालों की बात कर रहा हूं, अगर अदर डिस्ट्रिक्ट वाले तो अपने डिस्ट्रिक्ट से करेंगे ना यार, ठीक है ना। माध्यम शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहां पर, अजमेर में, इसकी पूछा जाता है सन, ये कब स्थापित हुआ, 1 अगस्त 1957 ये पूछा जाता है, और ये अभी जो है अभी भी आया था पेपर के अंदर, सर किसी सब्जेक्ट में रिट मेन के अंदर भी ये पेपर में पूछा गया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कब स्थापित हुआ था, 1 अगस्त 1957 को इसको स्थापित किया गया था साथियों, याद रखिएगा ये, अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहां पर है, ये भी अजमेर में ही। एकलव्य नाट्य संस्थान कहां पर है, ब्यावर अजमेर के अंदर है, और मगरा लोक कला मंडल कहां पर है, ये भी कहां पर है, अजमेर के अंदर है, ठीक है साथियों। तो ये सारे के सारे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू भरतपुर झालावाड़ टोंक और अजमेर, हम लोगों ने वहां पर इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से संस्थान है और संस्थान की क्या डेट है, क्या सन है, ये वहां पर है, तो ये सारे चीजें मैंने साथियों आज आप लोगों को बताई है। तो आप इसे कॉपी पेन लेकर के बैठे और कॉपी पेन लेकर के आप इसको तैयार कीजिए, एक एक नोट्स तैयार कीजिए। आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रत्येक जितने भी अकादमी है जिस डिस्ट्रिक्ट में, पूरी में आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगा। तो साथियों राजस्थान जीके आप ये मान के चलिए जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके बहुत बढ़िया से यहाँ पर हो जाएंगे, बहुत अच्छे नोट्स आपके बनेंगे, आप कभी भी उन्हें उठा करके प्रैक्टिस कर सकते हो साथियों, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।